माय चैनल SSR Gamer 30 ऐसी धमाकेदार मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल SSR Gamer 30। और भाई लोगों, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे, अब इससे आगे चलने का टाइम आ चुका है। अरे अरे, आराम से। इससे आगे यही चढ़ाई थी। आराम से, आज सारे असुरों को मार के रहेंगे। वाव, ये अजीब है ना? ग्राफिक बड़े तगड़े भाई। ये ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या लग रही है भाई? कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है? मैं तो नहीं। उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। कहानी सुनाने की आवाज बहुत बढ़िया। कहानी सुनते हैं। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। आवाज बहुत प्यारी प्यारी इनकी। इनकी कहानी भी सुनते हैं। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना जो बुराई के विनाशक, दूसरा हिस्सा आपको पता है देवी दुर्गा, वो दूसरा हिस्सा आप थी। कहानी बहुत मज़ेदार है, गेम भी उतना ही मज़ेदार है भाई लोगों, ट्राई ज़रूर करो गेम को। और इसमें नॉलेज की भी बातें हैं काफ़ी। यार दिमाग नहीं है मेरे पे, गुस्सा भरा पड़ा मेरे दिमाग में। इतनी देर से वहीं घूम रहा हूँ मैं। वो रहा गोलू, गोलू, वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो वे चाहते हैं? मर गए। काम बांध दिया था भाई इसने तभी।
यहाँ तो भाई फिल्म बना दी इन्होंने मेरी। माँ दुर्गा ये कह जी तो रास्ता बंद है आगे का ही होगा आगे। चलो पढ़ते चलो। उसके प्यार से उसके मकसद को शक्ति मिलती है। ओ तेरी ये तीन डंडे दिख रहे हैं। पहले तो पहले चेक कर लूँ और भी है क्या। ये तो नहीं है भाई। ये और क्या है यहाँ पे कुछ का। अरे 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 नीचे कूद गई। इधर वाला मेरे को अधूरा लग रहा है। इधर वाले से पूछता हूँ एक बार इधर वाला कैसा है। इधर वाला भी देख लेते भाई। अरे इधर वाला हो ना मस्त। वो तो पपलू बनाने के लिए था झांसा लोगों को झांसा दिखाने के लिए था। वाला तो असली वाला माल तो इधर था। इतनी देर से मैं उधर घूम रहा था तो पता था ऐसा ही सीन होता भाई। कहानियों में ऐसा ही सीन होता है ये झांसा। अरे 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 भाई साहब फालतू फालतू नहीं भाई राजी से फालतू। जो भी चाहते हैं मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ छोटे भाई। वो मुझे रोक नहीं पाएंगे मैं कसम खाती हूँ। मैं इधर आ गया उस वाले रास्ते पे देखता हूँ। उस वाले रास्ते पे नीचे जाने का रास्ता। तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। आओ बहुत कम बच्चों कर रहे थे। एक और चल की ये भी पजल है। अरे पूरा कर देंगे पजल तो हम पहले से ही पूरा करते हुए आ रहे हैं भाई।
माँ दुर्गा मेरी लाज रखना। याद रखना भाई, हमारे सामने जो आएगा माँ दुर्गा का हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा। वो हमेशा से आपके साथ रही है और वो सही है। आप इसके बारे में बहुत सोचती है। वो जरूरी है, उससे दुनिया के क्वालिटी एक नंबर है भाई साहब गेम। मैं उस पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। एक नंबर की क्वालिटी है पूरे गेम में, एक नंबर। ये अजीब है ना, कि इतनी सुंदर और नक्काशी वाली जगह को युद्ध के किले के रूप में बनाया जाना। युद्ध वो साधन है जो उन्हें दुनिया को बदलने के लिए दिए गए हैं। वे केवल उतना ही आदर करते हैं जितना जरूरी है। युद्ध ही एक रास्ता नहीं है। हाँ वही जाने का रास्ता। अच्छा तो ये भी ड्रम पे रख रखे, उससे भी चढ़ सकते हैं ऐसे तो। भाई ग्राफिक बड़े तगड़े हैं भाई गेम के, नज़ारे भी बहुत मस्त मस्त है। रास्ता कहाँ है? रास्ता ही नहीं है भाई। मिल गया, वो गोलू था। असुरों को वो क्यों चाहिए? इन जीवों ने अंधेरे के मंडल को बुलाया, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया था। राजी उन्हें रोकने के लिए भागी, लेकिन असुरों के मुखिया ने उसका रास्ता रोक दिया और अचानक गोलू गायब हो गया। We'll be right back.
असुर हार गया। बच्चे राजी को धन्यवाद करने के लिए भागे, लेकिन अंधेरों के मंडल की वजह से गुफा कमजोर हो गई थी। शायद राजी मरने वाली थी, शायद वो हार गई थी। और तभी रहस्यवादी आए, उन्होंने राजी का शरीर उठाया और बहा दिया। जैसे राजी बह रही थी उसे दिखाई दिया। उसके भाई के साथ कौन था? वे क्या चाहते थे? वो नाव में जाग गई और उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। पहले के महान राजाओं ने उसे बनाया था और इसके लिए अपनी जान दी थी। लेकिन अब वहां के रहने वाले दुष्ट परछाइयों के दास थे अपनी इच्छा के खिलाफ। रक्षकों ने राजी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वही इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी।